先生ビッグマンデーハッハマラハッハマンデーラーケ先生ビッグマンデーリーワンジャスティスリーワンジャスティスリーワンジャスティスアスラームアレイクムラハマトラーヒワバラカタウM. Gulshan Colony, Arfat Habib Masjid, Arfat Colony, जो आजादपुर रोड पे आता है. हम लोग तीन महीने पहले जब फर्स्ट बारिश लगी थी उस टाइम पे जाके सर्वे किए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग मतेमूड़ जो रूरल MLA है उनसे भी बात किए, और साथ में उनके जो PDO है मल्लिकार्जुन साहब उनको भी बात किए. तो उन्होंने हम आपको भरोसा दिलाया था जी मैडम हम लोग यहाँ पर आएंगे और आकर यहाँ का विजिट करके यहाँ का काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ. उसके बावजूद फिर से बारिश आने के बाद इतना कीचड़ भर गया था वहाँ पर. डिसेबल लोग रहते वहाँ पे, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी को बोलना नहीं आता, इतने डिसेबल्स लोग वहाँ पर रहते. हम जाकर फिर से एक हफ्ता पहले विजिट किए, मुन्नी मैडम वहाँ पे बुलाए थे, वहाँ के जो सोशल वर्कर है. उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यूज MLA को टच कर रहे, फ़ोन जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे. तो हम RS के टीम NGO की जानिब से जाके सर्वे करके उनको कॉल कर रहे, तो कॉल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे. आज DC ऑफिस में आकर हम जो एहतजाज कर रहे हैं, जो उनको प्रोटेस्ट दे रहे हैं, इनका हमारा यही मकसद है. जो एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो वहाँ पर ड्रेनेज नहीं है, एरिया डेवलपमेंट होकर 15-20 साल हो गया, वहाँ पर अभी तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है अभी तक, और वहाँ पर पीने का पानी नहीं है. पूरे 600-700 घर हैं वहाँ पर, सिर्फ 2-3 बोरियल वहाँ पर मौजूद है, वो भी लोगों के पास पैसे दे के पानी पी रहे हैं. वो इतने लावारिस हो गए वो इलाके के लोग, वहाँ पर कोई भी जाके पूछता नहीं है. जब इलेक्शन आता है तो वो पुरानी बस्ती के लोग जाके 9 MLA को वोट देते हैं, और जो रूरल MLA है वहाँ का उनका फ़र्ज़ है, जो भी रूरल MLA में उनके पास जो फंड आता है, जो स्कीम्स आते हैं, वो उनको यूटिलाइज करें. क्योंकि वो एरिया में तकरीबन जहाँ तक कि मैं सर्वे करी हूँ, बहुत हर एक घर में डिसेबल पर्सन मौजूद है. तो मैं चाहती हूँ रूरल MLA से मैं आज डिमांड कर रही हूँ, जल्द से जल्द आप 3 दिन में आके वहाँ पे विजिट कीजिए. अगर आप ऐसा नहीं किएंगे तो हम सैटरडे के दिन ठीक 11 बजे, मैं आपको पूरे मीडिया के जरिए मैं बता रही हूँ, ये मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ बसवराज मुतेमूड़ सर जी, मैं आपको डिमांड कर रही हूँ, अगर आप सैटरडे के दिन आकर वहाँ पर विजिट कर नहीं कर रहे हैं, तो सैटरडे के दिन हम ठीक 11 बजे पूरी RS के NGO के टीम के साथ, पूरे गुलशन अरफत कॉलोनी के साथ हम लोग वहाँ पर रोड बंद करेंगे. वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू. मैं M. गुलशन कॉलोनी आज़ादपुर रोड हबीब मस्जिद के पास से जो है ना बोल रहा हूँ. हमारे एरिया में बहुत सारी जो है ना सहूलतों की जो बिल्कुल कमी का बिल्कुल सहूलतें हैं नहीं. चलने के लिए रास्ता नहीं है, बारिश आ गया तो जो है ना जा ही नहीं सकते, पानी पूरा घरों में जो है ना आ जाता है, और स्ट्रीट लाइट नहीं है, और वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, और तकरीबन रोज़ मेहनत करके खाने वालों का एरिया है ये. यहाँ पे जो है ना कोई हमारी फरियाद, इससे पहले भी तकरीबन 2-3 मरतबा हमारे जो मुतालिका अहदेदारान हैं या जो भी जो ना हमारे MLA MP कारपोरेटर वगैरह जो भी हैं उनसे भी हम मुतालबा करे हैं, लेकिन अभी तक हमारे इस मसले के हल के लिए कोई हमारे पास आया नहीं है. सिर्फ आने का वादा किए हैं लेकिन कोई आया नहीं. इसलिए जो ना हमारी गुजारिश है कि MLA MP कारपोरेटर जो भी जो ना है इस बस्ती में एक मरतबा आकर सर्वे करिए, उसके बाद खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि हम किस तरीके से हम रह रहे हैं और वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं. मेहरबानी करके यह फ़िलहाल तो वो एरिया में जो क्या है मालूम कोई कारपोरेटर वगैरह लिस्ट वगैरह नहीं आई है. हम पुराने शहर से ये नई बस्ती में आए हैं. हम पहले पुराने शहर में वोट डालकर आए हैं. यहाँ पर अभी बाज़ लोग बोलते हैं जो है ना क्या है नॉर्थ में आता है, कोई इसमें रूरल में आता है, लेकिन अभी तक तो कोई ना रूरल वाले MLA आए ना जो है ना नॉर्थ वाले MLA आए, कोई जो है ना हमारी पुरसाने हाल नहीं है. लिहाजा हमारी जो है ना गुजारिश है जो भी, क्योंकि हमको मालूम नहीं, ये जो है ना आप लोगों को मालूम इसमें रहते हैं कि जो है ना कौन सा एरिया किसको आता है. मेहरबानी करके आप लोग इस तरफ तवज्जो देकर अगर इस मसले को हल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका अजर जो है ना देंगे, और आपके मर्तबों वगैरह में भी जो है ना तरक्की.